हेलो एवरीवन, मेरे चैनल सिंपल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। बारिश का मौसम है और ऐसे में चाय के साथ गरम गरम पकौड़े मिल जाएं तो क्या बात है। तो आज मैं एक नहीं, दो नहीं, पूरे पांच तरह के पकौड़े एक साथ बनाकर आपको दिखाऊंगी, वो भी बिल्कुल कम समय में, बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने आलू को पतले पतले साइज़ में गोल गोल शेप में काट कर रखा है। इसी तरह मैंने लौकी भी कट करके रख लिया है। बैंगन को मैंने लंबे लंबे पतले पतले आकार में काटा है। पनीर के मैंने पीसेस कर लिए हैं और ओनियन को मैंने पतले लंबे छल्ले स्लाइस में इस तरह काट लिया है। और सभी को मैंने अच्छे से फ्रेश वाटर से धोकर रख लिया था। तो सबसे पहले मैं आलू के पकौड़े बनाऊँगी। तो यहाँ एक बोल में मैंने आलू को डाल दिया है, कट किए हुए आलू मैं डाल रही हूँ, आप देख सकते हैं। और अब मैं इसमें बेसन ऐड करूँगी। तो मैंने 2 चम्मच बेसन इसमें डाल दिया है और 1/2 चम्मच मैं नमक डाल रही हूँ। इसे मैं सिर्फ नमक से ही बना रही हूँ और इसे अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर रही हूँ। बहुत थोड़ा थोड़ा पानी लेके मैं मिक्स कर रही हूँ ताकि पकौड़े बिल्कुल क्रिस्पी बनकर रेडी हों। मुझे बेसन थोड़ा कम लग रहा है इसलिए 1 चम्मच बेसन मैं इसमें और ऐड कर रही हूँ और अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ। ऑयल को मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। ऑयल पूरी तरह गरम हो चुका है। अब मैं लो मीडियम फ्लेम पर पकौड़ों को तलूंगी। तो अब मैं एक एक करके सारे पकौड़े इसमें डाल रही हूँ और लो मीडियम फ्लेम पर इसे मैं फ्राई करूँगी ताकि ये अच्छे से अंदर से पक सकें। तो आप देख सकते हैं कि ऑयल में बिल्कुल भी गंदगी नहीं है और पकौड़े बिल्कुल साफ़ दिख रहे हैं, बहुत ही क्रिस्पी गोल्डन कलर के बनकर रेडी हुए हैं। तो ये आप देखिए, आलू के सारे पकौड़े मेरे रेडी हो चुके हैं जो बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी हैं। तो अब मैं प्याज के पकौड़े बनाने जा रही हूँ। तो इसके लिए भी यहाँ मैंने एक बोल में कट किए हुए प्याज डाल दिए हैं और अब मैं इसमें 2 से 3 चम्मच बेसन ऐड करूँगी। तो ये मैं इसमें बेसन डाल रही हूँ। अब मैं इसमें खाने वाला नमक डाल रही हूँ और 1/2 टीस्पून चिली पाउडर मैंने इसमें ऐड किया है। मैं बेसन और प्याज को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। इसे मैं बिना पानी के मिक्स कर रही हूँ क्योंकि प्याज में ऑलरेडी पानी रहता है। आप चाहें तो बहुत थोड़ा सा पानी इसमें मिक्स कर सकते हैं। तेल गर्म है और लो मीडियम फ्लेम पर मैं इसे भी अच्छे से फ्राई कर रही हूँ ताकि ये अंदर से पक सके और करारा क्रिस्पी बनकर तैयार हो। तो ये देख सकते हैं आप, एक एक करके मैं सारे पकौड़े इसमें डाल रही हूँ और इसे लो मीडियम फ्लेम पर मैं पकने दे रही हूँ। और जब ये थोड़े करारे हो जाएंगे तो मैं इसे दूसरे साइड से भी पकाऊंगी। तो अब मैं इसे उलट पलट दे रही हूँ ताकि प्याज के पकौड़े दूसरे साइड से भी अच्छी तरीके से पक सकें और क्रंची क्रिस्पी बनकर तैयार हों। पकौड़े बिल्कुल रेडी हैं। अब मैं इसे प्लेट में ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ और इस तरीके से मैं निकाल रही हूँ ताकि ऑयल कढ़ाई में रह जाए और ये अच्छे से क्रिस्पी बनकर निकल सके। अब मैं पनीर के पकोड़े बनाने जा रही हूँ। तो इसके लिए भी मैं एक बोल में 2 से 3 चम्मच बेसन डाल रही हूँ और 1/2 चम्मच मैंने नमक मिलाया है और 1/2 चम्मच मैं चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ और 1/2 चम्मच मैं इसमें जीरा पाउडर डाल रही हूँ और 1/2 चम्मच मैं चाट मसाला मिला रही हूँ। इन सबको मैं अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मिक्स कर दूंगी। तो ये आप देख सकते हैं, इसे मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैंने मिक्स कर दिया है। अब मैं इसमें कट किए हुए पनीर ऐड करूंगी। तो ये सारे पनीर मैं इस तरीके से इसमें डाल रही हूँ और इनको अच्छे से बेसन से कोट करके मैं फ्राई करूंगी। तो ये इस तरीके से मैं इनमें बेसन लपेट रही हूँ। ऑयल गर्म हो चुका है, इसे भी मैं लो मीडियम फ्लेम पर फ्राई करूँगी। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से एक एक करके मैं सारी पनीर ऑयल में डाल दे रही हूँ और लो मीडियम फ्लेम पर इसे पकने के लिए छोड़ रही हूँ थोड़ी देर के लिए। जब ये थोड़ा पक जाएंगे तब मैं इन्हें पलट कर दूसरे साइड से भी फ्राई करूँगी। तो ये आप देख सकते हैं कि मैं इन्हें दूसरे साइड से भी मैंने पलट दिया है ताकि ये दूसरे साइड से भी पक कर क्रिस्पी बनकर तैयार हो जाए। तो आप देख सकते हैं पनीर के पकौड़े पूरी तरीके से क्रंची क्रिस्पी बन गए। अब मैं इसे भी प्लेट में ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ। अब मैं लौकी के पकोड़े बनाने जा रही हूँ। तो इसके लिए भी यहाँ मैंने एक बोल में बेसन डाल दिया है। बेसन मैंने 3 चम्मच लिया है। 1/2 चम्मच मैं नमक डाल रही हूँ, 1/2 चम्मच चिली पाउडर, 1/2 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा किचन किंग मसाला और पिंच भर मैं खटाई डाल रही हूँ। इन सबको अच्छे से मैं 1 चम्मच से मिला दे रही हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका मैं एक थिक पेस्ट तैयार करूँगी।
तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से मैंने एक थिक पेस्ट इसका बना लिया है। अब मैं इसमें सारे कट किए हुए लौकी को डालूंगी। तो ये एक एक करके मैं इसमें लौकी डाल रही हूँ और इस पर अच्छे से बेसन को लपेट कर मैं ऑयल में फ्राई करूँगी। तो ये सारी लौकियाँ मैंने इस तरह डाल दी है और ऑयल गर्म था, लो मीडियम फ्लेम पे मैं इसे भी पका कर फ्राई करूँगी। तो ये आप देख सकते हैं कि ऑयल मेरा बिल्कुल साफ़ है और एक एक करके मैं इसमें लौकी के पकौड़े डाल रही हूँ। और फ्लेम को मैंने लो ही रखा है ताकि ये नीचे से अच्छी तरीके से अंदर से पक सकें। ये थोड़े क्रंची हो चुके हैं तो अब मैं इन्हें दूसरे साइड से भी पका ले रही हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे गोल्डन कलर में ये बनकर रेडी हुए हैं और अब ये अच्छी तरीके से क्रंची हो चुके हैं, तो इसे भी मैं प्लेट में ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ। अब मैं बैगन के पकोड़े बनाने जा रही हूँ, इसे बैगनी भी कहा जाता है। तो इसके लिए भी यहाँ मैंने एक बोल में 4 से 5 चम्मच बेसन लिया है। तो ये आप देख सकते हैं 4 से 5 चम्मच बेसन मैं एक बोल में डाल रही हूँ और इसमें मैं कुछ मसाले ऐड करूँगी। तो यहाँ मैंने थोड़े से लहसुन और बड़ी इलायची का पेस्ट बनाकर रख लिया था, जिसमें मैं अंदाज से चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, जीरा पाउडर और काली मिर्च पाउडर ऐड करके इसका एक पेस्ट तैयार कर लिया था मैंने। इसमें भी मैं 1/2 चम्मच नमक डाल रही हूँ और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका मैं एक थिक पेस्ट बनाऊँगी। तो ये आप देख सकते हैं बहुत थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैं इसका एक थिक पेस्ट तैयार कर रही हूँ। तो इसका इस तरीके से मैंने थिक पेस्ट तैयार कर लिया है। अब मैं इसमें कटे हुए बैगन ऐड करूँगी। तो ये पतले पतले लंबे लंबे आकार में जो मैंने बैगन काट कर धोकर रखे थे वो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ और अच्छे से बेसन में लपेट कर ऑयल में डालूँगी। तो ये एक एक करके मैं सारे बैगन इसमें डाल रही हूँ। फ्लेम को मैंने लो ही रखा है ताकि ये अंदर से अच्छे से पक सकें और जब ये थोड़ा पक जाएंगे तो मैं फ्लेम को हाई फ्लेम पर कर दूंगी ताकि ये क्रिस्पी और क्रंची तैयार हो सकें। तो ये लो फ्लेम पे मैं इसे पका रही हूँ। अब ये अच्छे से पक चुके हैं, अब इसे मैं दूसरी साइड से भी अच्छे से पकाऊंगी और फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है ताकि ये थोड़े क्रिस्पी क्रंची अच्छे से बन सकें। तो ये आप देख सकते हैं कि सारे बैगन के पकौड़े क्रंची बनकर रेडी हैं और इसे भी मैं प्लेट में निकाल ले रही हूँ। तो आप देख सकते हैं ये 5 अलग अलग तरह के पकोड़े मैंने बहुत ही ईजली बनाकर तैयार किया है, जिसे मैंने टोमेटो सॉस के साथ सर्व किया है। आप इसे चिली सॉस, धनिया की चटनी या मिर्च की चटनी के साथ भी खा सकते हैं। धनिया की चटनी की रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इसमें मैंने सिर्फ बेसन का यूज़ किया है, मैंने इसमें आरारोट, चावल का आटा या सूजी बिल्कुल भी नहीं मिलाया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ हमें ज़रूर भेजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शब्बा खैर।